हे गाइस, वेलकम टू डिजिटल स्टडीज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, रेलवे ग्रुप डी का जिन लोगों का फिजिकल यहां पर हो चुका है उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी यहां पर आ रही है। फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी जो आपका 65,090 वैकेंसीज था उसके लिए आपका जो है बहुत अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ रही है। जिन लोगों का मैं आपको बता दूँ, पहले ही आपका फिजिकल हो चुका है यहाँ पर, और फिजिकल के बाद जो है बड़ी अपडेट ये है आपका कि डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन की जो है डेट यहाँ पर आ चुकी है। आपका मेडिकल एग्जाम भी जो है आपका यहाँ पर डेट है, उसकी भी डेट यहाँ पर आने वाली है। फ्रेंड, मेडिकल एग्जाम की भी उन सभी टॉपिक्स यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। फ्रेंड, और डॉक्यूमेंट की बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लेके जाने हैं। फ्रेंड, इनमें से एक भी डॉक्यूमेंट यदि आपका मिस होता है तो आपको जो दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज इसे मैं कहता हूं केयरफुली इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से लेकर एंड तक। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड वीडियो। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप हमारे चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डिजिटल स्टडी चैनल को, और दबाएगा इस बेल आइकन को जिससे हमारे आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, यही आप लोगों का हमारे लिए सपोर्ट होता है। सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर ही कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हैज़ रिलीज्ड अ नोटिस फॉर आरआरबी ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2018-19। एज पर इट, द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड सीएन नंबर 2018 विल बिगिन इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2019। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सीधा सीधा फर्स्ट वीक ऑफ 2019, यानी कि आपका फर्स्ट वीक यानी कि 1 अप्रैल से ही जो है आपका स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि कल से आप परसों से आपका जो है ये स्टार्ट यहाँ पर हो जाने वाला है। तो प्लीज़ मैं आपको कह रहा हूँ फ्रेंड, यहाँ पर जो है बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ आपके सामने, और यहां पर लिखा है द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विल बी डन इन स्लॉट ऑफ 100-155 कैंडिडेट पर डे एंड इज लाइकली टू वेट ओवर इन 3-4 वीक्स। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा है उन्होंने कि यहाँ पर जो है वो 100 से लेकर जो है वो 150 कैंडिडेट का जो है एक दिन में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जी हाँ, 100 से 150 कैंडिडेट का एक दिन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर किया जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड जो है स्लॉट किए जाएंगे, इतने स्लॉट्स में जो है यहाँ पर वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अब ये पर आरआरबीज होगा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ पर डेज एंड इज लाइकली टू गेट ओवर इन 3-4 वीक। यहाँ पर जो है देखिए 3 से 4 हफ्ते जो है यहाँ पर लग सकते हैं इनको, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ आपको यहाँ पर मान के चल सकते हैं, 1 महीने इनको जो है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में जो है लग जाएगा। देखिए फ्रेंड, चुनावों को इससे कोई मतलब नहीं है। कई लोगों ने कहा है कि चुनावों के टाइम पर यहाँ पर कुछ नहीं होगा आचार संहिता में। मैं आपको कहूँगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका सब कुछ होगा, जो काम होने वाले हैं वो सब होंगे, लेकिन फ्रेंड आपका जो है वो सिविल ज्वाइनिंग नहीं हो सकता है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आपका प्रोसेस है आपका रेलवे का वो बिल्कुल जो है अपनाता रहेगा रेलवे। आगे देखते हैं यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि 3 से 4 हफ्ते में हो जाएगा, यानी कि पूरा अप्रैल का महीना जो है आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो है वो निकल जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन निकल जाएगा। ठीक है, डीवी में आपका जो है वो पूरा महीना निकल जाएगा अप्रैल का। उसके बाद क्या होगा देखिए, आप देखते हैं फॉर ईच जोन ऑफ रेलवे, देखिए हर एक रेलवे के हर एक जोन में जो है 100 से 150 कैंडिडेट जो है वो कम से कम जो है डेली के जो है यहाँ पर डीवी के लिए यहाँ पर आएंगे और इनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, ईच कैंडिडेट हु विल क्वालिफाई द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन विल बी कॉल्ड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए जो भी कैंडिडेट जो है वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जिसको क्वालिफाई कर जाएगा उसको जो है वो मेडिकल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा तो आपको सबको पता ही है। अब देखते हैं मेडिकल एग्जाम की डेट आपको जो है कब तक आ जाने वाली है। देखिए द आरआरबी ग्रुप डी वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेट फॉर द कैंडिडेट। देखिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है आपका, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यदि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर छूटता है तब आपको कोई भी सेकंड चांस नहीं दिया जाएगा। इन दिस राउंड इंडियन रेलवे विल चेक इफ द कैंडिडेट इज एलिजिबल और नॉट। इस राउंड में जो है यहाँ पर इंडियन रेलवे ये तय करेगा कि कैंडिडेट जो है वो इसके लिए योग्य है या फिर नहीं है। टू डू सो सर्टेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कैंडिडेट विल बी चेक्ड एंड वेरीफाइड। देखिए सारे डॉक्यूमेंट जो आपके चेक किए जाएंगे और वेरीफाई किए जाएंगे आपका। ठीक है, तो प्लीज़ कोई भी जो है वो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े, इसलिए मैं आपको वीडियो में आपको बता देता हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए होंगे। द कैंडिडेट हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स फॉर वेरीफिकेशन क्लास 10 सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पर फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पर कौन कौन सा 10th का सर्टिफिकेट आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हाई स्कूल की मार्कशीट आपको हिंदी में बता दें कि माइनॉरिटी कैटेगरी, देखिए यहाँ पर देखिए यदि आप माइनॉरिटी से हैं या फिर आपका जो है वो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट लगता है तब आपको वो लेके जाना है, कैटेगरी सर्टिफिकेट लेके जाना है आपको। और यहाँ पर जो है इनकम सर्टिफिकेट, देखिए आपका आय प्रमाण पत्र जो है वो डेफिनेटली आपको यहाँ पर लेके जाना है। यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो प्लीज़ डॉक्यूमेंट को जो है जल्दी से जल्दी तैयार करा लीजिएगा। और आपका यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पर बता दूँ फ्रेंड इनकम सर्टिफिकेट जो है वो आपका आज डेट है आपका क्या बोलते हैं 29 तारीख है, 29/4/2019 है, तो देखिए 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कम से कम जो है आपका एक एक
1-1 से 2016 से जो है वो पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आप मान के चलिए 1-5 2016 से यदि आपका है यहाँ पर आपका, तो जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि केवल 3 साल के लिए ही वो वैलिड होता है। आपको यहाँ पर बता दें कि 1-5-2016 से आपके बाद का जो है बना हुआ होना चाहिए। यदि आपके इससे पहले का है तो मैं आपसे कहूँगा कि उसको रिन्यू करा लें, आपसे फटाफट दूसरा बनवा लें। अपने जो भी आप लेख पाल होंगे आपके यहाँ, उनसे जो है वो आप दूसरा सर्टिफिकेट यहाँ पर बनवा लें, ठीक है। क्योंकि आपको फिर बाद में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है फ्रेंड्स, यहाँ पर वो लोग यहाँ पर उसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि वो 3 साल के लिए ही वैलिड होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इनकम सर्टिफिकेट, और जो लोग एक्स सर्विसमैन है उनको अपना डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है वो लेके जाना है, डिस्चार्ज बुक होता है उनका, वो लेके जाना है। आपको एक आधार कार्ड की कॉपी लेके जानी है, आपको आधार कार्ड ओरिजिनल भी लेकर जाना है, ठीक है। एक पैन कार्ड भी लेकर जाना है आपको, पैन कार्ड ओरिजिनल लेकर जाना है, और पैन कार्ड की आपको एक कॉपी भी लेकर जानी है, ठीक है। आप जिन लोगों ने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो प्लीज़ पैन कार्ड को बनवा लीजिए फ्रेंड, इंस्टेंट पैन कार्ड आप बनवा लीजिए, उसका उससे भी आपका जो है काम चल जाएगा फिलहाल, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपके पास सारे कंप्लीट होने चाहिए। और देखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट यदि आप पीडब्ल्यूडी से हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होता है, चाहिए ही चाहिए आपका। एनओसी चाहिए आपका एम्प्लॉयर से, यदि आप प्रीवियस एम्प्लॉयर हैं तब आपको एनओसी चाहिए, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रीवियस एम्प्लॉयर से, ठीक है, इफ़ एप्लीकेबल, ठीक है। डोमिशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको, डोमिशियल सर्टिफिकेट निवास प्रमाण पत्र, ये भी आपका 3 साल से ज़्यादा जो है पुराना नहीं होना चाहिए, आपका नया बनवा लें तो बेहतर रहेगा। पेमेंट स्लिप आपको लेकर जानी है, गैजेट नोटिफिकेशन आपको लेकर जाना है, और देखिए डेथ सर्टिफिकेट, आप सपोज ऑफ विडो, यदि कोई विधवा महिला है उसका जो है वो डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाना है आपको, उसके हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट इसमें जो है वो जरूरी है, वो भी आपको जो है यहाँ पर लेकर जाना है। यदि कोई जो है जो महिलाएं डिवोर्स से हैं, डिवोर्स या फिर जो पुरुष डिवोर्स से हैं, उसको आपका जो है वो डिवोर्स सर्टिफिकेट जो है वो लेकर जाना है, डिग्री और डिवोर्स जिसको बोलते हैं उसको लेकर जाना है, ठीक है। एक सरकारी कागज़ होता है जो आपको डिवोर्स के टाइम पर यहाँ पर दिया जाता है, तो वो आपको जो है वो डेफिनेटली यहाँ पर लेकर जाना है। तो फ्रेंड ये था आपका जो है, आप देखिए यहाँ पर जो है रेलवे का ऑफिशियल नोटिस मैं आपको यहाँ पर पढ़वा देता हूँ। ऑफिशियल नोटिस जो है वो आपका आपके सामने ये है, द रिटन एग्जाम सीबीटी रिजल्ट फॉर लेवल फर्स्ट रिक्वायरमेंट इन रेलवे सीईएन नंबर 2/2018 हैव बीन रिलीज एंड आफ्टर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कैंडिडेट आर टू बी कॉल्ड फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड सबसिक्वेंट मेडिकल एग्जामिनेशन A2 एंड ब्लू ओवरऑल द जोनल रेलवे। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक्सरसाइज इज लाइकली टू स्टार्ट फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। देखिए यहाँ पर लिखा है, सीधे लिखा है फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल, तो जिन लोगों का जो है वो देर से है वो उनसे कहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट जो है तैयार कराकर एक फाइल में रख लीजिएगा। आप ध्यान से जो है सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको लेकर जाना है जो मैंने इस वीडियो में बताए हैं। जो लोग आपने ध्यान से नहीं देखा है तो वीडियो को बैक करके आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। आपको यहाँ पर चलिए देखते हैं, यहाँ पर एट द रेट ऑफ द 100 से 150 कैंडिडेट एज पर डे विल लाइकली 3 से 4 हफ्ता दे, ठीक है। तो पहले मैंने आपको पढ़वा दिया है, और देखिए यहाँ पर लिखा है द मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी हेल्ड इमीडिएटली आफ्टर द डीवी एक्सरसाइज नेक्स्ट डे फॉर ईच कैंडिडेट हु क्लियर द डीवी। देखिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा डेट मैं आपको बता दूँ, देखिए मैं बहुत बड़ी न्यूज़ है कि जो आपका मेडिकल एग्जाम होगा वो आपका उसके अगले दिन ही हो जाएगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अगले दिन ही आपका मेडिकल एग्जाम हो जाएगा। जी हाँ, यदि आपने डीवी पास कर लिया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पास कर लिया है, तब आपको नेक्स्ट डे आपका जो है वो मेडिकल एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। डेफिनेटली आप मेडिकली भी बिल्कुल फिट रहिएगा, मेरी आपको यहाँ पर सलाह है, मैं रिकमेंड करता हूँ आपको। नेक्स्ट आपका द RRB मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी डन बाय द रेलवे बोर्ड हेल्थ डायरेक्टरी राइट आफ्टर द एंड टू एंड ऑफ RRB ग्रुप डी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर दिस PCPOs विल कोऑर्डिनेट विद द PCMDs इन द नोटिस द प्रोसेस ऑफ कंडक्ट मेडिकल हैज बीन द डिफाइंड इन दिस इन ईच जोन ऑफ रेलवे मिनिमम 3+ हॉस्पिटल विल बी डिफाइंड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पर जो है वो 3 हॉस्पिटल जो है वो कंसिडर किए गए हैं, 3 हॉस्पिटल जो है वो तय किए गए हैं जिनमें आपका जो है मेडिकल कराया जाएगा। रेलवे के हर जोन के 3 मेडिकल उन्होंने जो है रेलवे बोर्ड ने आपका उनका जो है वो तय किया है, उनके डॉक्टर्स को तय किया है, और उन 3 हॉस्पिटल में जो है हर एक जोन के जो है उसको कराया जाएगा, ठीक है। हर एक जोन के 3 हॉस्पिटल अलग अलग हैं। द नंबर में वेरी एज पर रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स नर्सेज स्टाफ एंड इक्विपमेंट्स विल बी प्रोवाइडेड अंडर स्पेशल अरेंजमेंट। देखिए स्पेशल अरेंजमेंट के अंदर जो है ये सब लोग होंगे, डॉक्टर नर्स और स्टाफ जो होंगे। एवरी मेडिकल एग्जामिनेशन सेंटर विल बी फंक्शन फॉर 6 डे ए वीक। देखिए
एक हफ्ते में जो है वो 6 दिन आपका जो है यहाँ पर चलेगा, एक हफ्ते में आपका 6 दिन मेडिकल चलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यही आप लोगों की न्यूज़ थी फ्रेंड, आपका देख लेते हैं और नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। अदर देन दिस इट इज़ इट हैज़ बीन स्पेसिफाइड दैट 1 डॉक्टर इज़ टू बी कंडक्ट ओनली 20 मेडिकल एग्जामिनेशन पर डे। देखिए एक डॉक्टर जो है वो आपका केवल 20 मेडिकल करेगा एक दिन में, ठीक है, केवल 20 मेडिकल करेगा एक दिन में एक डॉक्टर, ठीक है। फिर आपको लिखा जाएगा ओनली द असाइंड डॉक्टर हैज़ द अथॉरिटी ऑफ टू स्टेट इफ द कैंडिडेट इज मेडिकली फिट और नॉट फिट एंड टू डू सो दे नीड टू सर्टिफाई द कैंडिडेट अंडर देयर नेम एंड सिग्नेचर। देखिए यहाँ पर जो है यदि आप सिग्नेचर आप एलिजिबल होंगे, यदि आप फिट हैं तब आपसे जो है एक पेपर पर साइन ले लिए जाएंगे कि हाँ आप फिट हैं, यदि आप अनफिट हैं तब भी आपसे जो है एक बार साइन लेकर आपको वहाँ से जो है वो डिसक्वालीफाई वहाँ से कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सारे ऑथेंटिक डॉक्टर वगैरह होंगे, ठीक है। तो फ्रेंड आई होप कि आपको ये वीडियो जो है बहुत पसंद आया होगा, सारी बात मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया है, सारी न्यूज़ ऑथेंटिकेट है आपका, कल से जो है आपको ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आज के लिए आपका एक क्वेश्चन ये है, आपको बताना है कि भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है, भारत में वित्त आयोग का प्रधान कार्य क्या है। नंबर एक केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण, वार्षिक बजट तैयार करना, वित्तीय मामलों में राष्ट्रपति को सलाह देना, संघ के मंत्रालय और राज्यों की निधि का विनिधान। तो आपको राइट आंसर अपना जो है नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, यदि आपको कोई भी डाउट है तब भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारा जो है वो डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।